अछूत कैसे बने? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांवों से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांध कर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। ये गुलामी रोमन साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी और अमरीकी नीग्रो और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो किया गया उससे ज्यादा क्रूर। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक? क्यों रे? मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए। कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है। ये पवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने अधम अछूत तरीके अपने आप को अंबेडकर समझता है। आजकल तो हर कोई खुद को अंबेडकर समझता है। मारो, अच्छा सबक सिखा दो। सरकार के दामाद बने फिरते हो। ऐसा सबक सिखा दो कि याद रहे। घोषित करता हूं, मैं आप सबको यहां से चले जाने का हुक्म देता हूं। गौतम मोहन का बदला।
अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझसे पहले आते हो और सबसे बाद में जाते हो। तुम्हारा परिचय? भीमराव अंबेडकर। आखिर हम मिल ही गए। प्रोफेसर सेलिगमैन तुम्हारे बारे में काफी बातें करते हैं। मैं लजपत राय। बाहर चलकर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम। सॉरी, मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। आपको कौन नहीं जानता सर? प्रोफेसर सेलिगमैन उस इकोनॉमिक्स थीसिस की बड़ी तारीफ करते हैं जो तुम उनके लिए लिख रहे हो। हमें इस संघर्ष में तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अंबेडकर, ये समय बड़ी उथल पुथल का है। महायुद्ध ने ब्रिटेन को ख़त्म कर दिया है। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम्हें तो पता होगा, तिलक ने हिंदुस्तान में होम रूल लीग शुरू किया और मैंने अपना संघर्ष यहां से जारी रखा है। अंग्रेज़ देश से निकाल सकते हैं लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। कल हमने यहाँ एक मीटिंग रखी हुई है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं यहाँ महाराज की स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, बड़ौदा स्टेट के। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमने अक्सर मुझे ये कहते सुना होगा कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, उसे बदलना भी है ना? मुझे ही देखो, मैं पढ़ाता हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, लेकिन मैं निग्रो अर्बन लीग का एक संस्थापक भी हूँ। मैं जानता हूँ सर। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से शिकायत नहीं। तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। आओ चले। मुझे अफसोस है अंबेडकर, अफसोस ये है कि तुम अपने देश की आज़ादी के लिए चल रही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ, ना कि लाजपत राय जी की होम रूल लीग में शामिल होने। आप अगर यही कहना चाहते हैं सर, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। जरूर पता होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी। मानव विज्ञान थीसिस का तुम्हारा विषय क्या है? हिंदुस्तान की जातियां, उनकी व्युत्पत्ति, फैलाव और रीति रिवाज। हाँ, अपना पेपर कब पेश करोगे? अगले बुधवार को सर। गुड लक टू यू। थैंक यू सर। एक बात बताओ, कल रात तुम्हारी बात सुनकर मुझे नींद नहीं आई। ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्या सच में छूना भी मना है? ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें आजादी तो है कम से कम। क्या बात कर रहे हो, इसे आजादी कहते हैं? ए, बातें कम करो, पूरा काम 2 घंटे में खत्म करना है, जल्दी करो। बिग बिग, तुम्हारे लिए 14वां संविधान सुधार तो है। संशोधन सिर्फ कागजों पर है। तुम तो हिंदुस्तानी होते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अमेरिकन होते हुए वहां नहीं पढ़ सकता, चाहे मुझ में कितना भी हुनर, कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। देखो, ये संविधान सिर्फ कागजों पर ही अच्छा लगता है, असलियत में काला आदमी काला होता है और गोरा गोरा, और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम रडयार्ड किपलिंग पढ़ते हो? क्या किताबें सिर्फ तुम ही पढ़ते हो? अरे काले निगलो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने किसी गोरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो, उस लड़की को मैंने नहीं छेड़ा। मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को, काले निकम्मे? चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, दबा हो जा, चल भाग। मनु का कहना है, शूद्र का एकमात्र धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी विनीत भाव से सेवा करना। शूद्र को धन जमा करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो इसके लिए सक्षम हो, क्योंकि शूद्र के धन जमा करने से अन्य जातियों को दुख पहुंचता है। शामू जी, दे दो उसको, पैसे ले लो जी। तुकाराम,
शूद्र को ऊंची जाति के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और पास से गुजरते हुए उन्हें जोर से आवाज करनी चाहिए ताकि जो भी सुने वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि शूद्र का दर्शन, उसकी आवाज, उसका स्पर्श उच्च जाति वालों को अपवित्र करता है। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे, जाओ दूर हो जाओ, जाओ हट। इस लड़के को लगता है चूंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महार ही है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। सवर्णों को चाहिए कि वो कभी भी शूद्रों के सामने वेदों का उच्चारण ना करें। अगर कोई शूद्र वेदों को सुन लेता है तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डलवा देना चाहिए। अगर वे वेद का उच्चारण करते हैं तो उनकी जीवा काट देनी चाहिए। जीवा, जीवा, मैंने तुम्हें संस्कृत लेने के लिए बोला था, फारसी क्यों ली? सर ने कहा कोई सच्चा ब्राह्मण मुझे संस्कृत पढ़ाकर वेद भाषा अपवित्र नहीं करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना सीधे प्रिंसिपल के पास जाना। गया था, आपने कहा था बंबई में सब कुछ ठीक होगा। रो मत, चुप हो जाओ, बंद करो रोना। बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। रो मत, तुम सूबेदार मेजर खानदान की बच्ची हो, याद रखो। अपना पेपर पढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर गोल्डन वाइसर का। थैंक यू सर। हिंदुस्तान में जाति प्रथा, आम हिंदू और यहां तक कि आम अमेरिकन भी हिंदुस्तान के गांवों की बात करते हुए गदगद हो जाते हैं। बहुत से लोग इस आदर्शवादी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के गांवों की असली तस्वीर पेश करना बेहतर होगा। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण समाज की कोई एक इकाई नहीं होती, इसके दो बड़े बड़े हिस्से हैं, एक सवर्ण और दूसरे अछूत। सवर्ण जो है वो शासन करते हैं और मालिक हैं, जबकि अछूत उनकी खानदानी गुलाम प्रजा है, और ये सब जन्म के साथ ही तय हो जाता है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये बताइए क्या गैर हिंदुओं में भी अलग अलग जातियां होती हैं? होती हैं। हिंदुओं ने यह जहर दूसरों तक भी फैला दिया है। जाति प्रथा हिंदुस्तानी समाज के रग रग में फैली हुई है। तुम किस जाति के हो? अब मैं इसके आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। फ्रॉम नवल भाटेना एंड फ्रेंड्स, अंबेडकर की कामयाबी के नाम। कामयाबी के नाम। डबल एम ए, PhD, और सिर्फ 3 साल में, और हम गधे लोग अभी तक लड़ रहे हैं BSA। प्रोफेसर सलीमन आ रहे हैं। सर, अंबेडकर प्रोफेसर वेब के लिए खत देने आया था। आपने क्या तकलीफ की? तुम्हारा ग्लास कहाँ है? मैं नहीं पीता सर। सच ए नाइस बॉय। तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाए तो मुझे जरूर बताना, प्रस्तावना मैं लिख रहा हूँ ये मत भूलना, नहीं तो किसी लंदन वाले को पकड़ लोगे। राय शायद तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं तुम्हारी लड़ाई उनकी लड़ाई से बहुत मुश्किल है। मैं, गुड बाय, गुड लक। भाइयों और बहनों, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच ब्रदर स्टीव ब्राउन का एक दोस्त, एक हिंदुस्तानी नौजवान मौजूद है। उसके लोग गुलामी के जुए के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। वे अनगिनत पीढ़ियों से हमारी तरह गुलाम रहे हैं। उन्हें दबाया गया है, अपमानित किया गया है, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है। उन्हें दबाने वाले उन्हें छूते तक नहीं, बल्कि उन्हें अछूत कहते हैं। वो जीवन भर अपवित्र रहने और अपवित्र मरने के लिए मजबूर है।
ये जन्म के साथ मिला हुआ वो स्थाई आनुवांशिक धब्बा है जो कभी नहीं धुल सकता। आइए उनके लिए प्रार्थना करें। लॉर्ड, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के ऊपर अपना दया का हाथ रखना, उनकी रक्षा करना और उनकी मदद करना जैसे तुम हमारी मदद करते आए हो। इस नौजवान का साथ देना लॉर्ड, ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जल्द ही लंदन जा रहा है। अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ओह। ग्रेजिन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ। बस यहाँ और कुछ? डेढ़ गुना दिमाग पाया है जनाब ने। अमेरिका में क्या तुम गदर पार्टी के मेंबर थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तुमने उनकी किसी कार्यवाही में हिस्सा तो नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। और होम रूल लीग, उसके मेंबर रहे हो तुम? जी, मैं अमेरिका में पढ़ने गया था। तो फिर ये क्या है? मेरी इकोनॉमिक्स की थीसिस। पेज 37। हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे महंगी सरकार है और हिंदुस्तान की गरीबी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तलाशी लो। अछूत, नीट, उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अछूत हो? झूठो, तुम मेरी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने कि मैंने सोचा चाहो तो हम दुगने पैसे देंगे। दुगने तिगुने किसे चाहिए? अपवित्र नहीं होना चाहता मैं, समझे? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। वेलकम टू लंदन। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने तुम्हारी सिफारिश की है, उनके लिए तुमने किस विषय पर थीसिस लिखी थी? हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास 1765 से लेकर आज तक। बड़ा दायरा है, पहले किसी ने लिखा है इस पर? नहीं सर, मैं ही पहला हूं। तुम हमारे लिए कौन सी थीसिस लिखना चाहते हो? रुपए की समस्या पर। आओ। मुझे नहीं पता था कोई समस्या है। मैं सहमत नहीं हूं केन्स के तर्क से जो उन्होंने हिंदुस्तान के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के लिए दिया। तो तुम मुझसे भी सहमत नहीं हो? जी प्रोफेसर कैनन, अगर आपने अपना विचार नहीं बदला हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। आप बुरा ना माने सर, मैं। और तुम्हें लगता है तुम ये साबित कर पाओगे कि हम दोनों केन्स और मैं इतने सालों से गलत रहे हैं? जी मुझे लगता है सर, मैं साबित कर पाऊंगा सर। वेल वेल वेल, मैं जरूर तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर। मुझे तुम्हारी समीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आते हैं। थोड़ा ज्यादा सो लीजिए किसी दिन, थोड़ी देर के लिए। ये जो सारी किताबें हैं कहीं भागी थोड़े ही जा रही हैं। माफ कीजिए, आप नहीं समझेंगे। के लिए लेटर। थैंक यू। इस हफ्ते का बिल कब दोगे? कल दे दूंगा। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। प्रिय रामू, गंगाधर के लिए मैं बहुत उदास हूँ। उसके बिना जिंदगी दर्द भरी होने वाली है, खास तौर से तुम्हारी, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे भेज पाता हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं
गोबर उठाना और लकड़ी चुनना पड़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप से नफरत होती है, और यहां लंदन में लड़ाई की वजह से मेरी भी जिंदगी कठिन है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना और यहां ग्रे जोन में रहना काफी दिक्कत होती होगी आपको अंबेडकर। हाँ, क्या करें। मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, इसलिए आप इन्हें बताइए, क्या यह सही नहीं कि हिंदुस्तानी अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से अपने पीछे की सफाई करते हैं? क्यों, क्या यह बात सही है कि अंग्रेज हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं? वैसे हो सकता है कि ये अफवाह हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह बात सही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हमारे देश में एक मेहमान हो। आपकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। बरोड़ा राज को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हुआ है। बंद पत्र के अनुसार आपको तुरंत ही हिंदुस्तान लौटकर 10 साल के लिए बरोड़ा सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। दीवान बरोड़ा राज। क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अंबेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। हम लोग बहुत चिंतित थे विवाह। क्यों, इसमें चिंता करने की क्या बात? मेरा जहाज कुछ ही घंटे तो लेट था। हमने सुना जहाज पर बम गिर गया। बम? हाँ, हम लोग जहाज के दफ्तर गए थे, उन्होंने बताया तुम्हारा तार गलत था। उसमें है भगवान का, केवल तुम्हारा सामान ही उस जहाज पर था। क्या, जिस जहाज में मेरा सामान था उसी में बम फटा? हाँ, हमने सोचा तुम्हारा जहाज डूब गया। मेरी किताबें? अरे मेरी किताबें थी उस जहाज में। युवा, किताबों को भूल जाओ, कैसी बातें करते हो तुम? अरे भाई, तुम तो जिंदा हो। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू, हिंदुस्तानियों का शासन में सहभाग, मॉन्टेजू की घोषणा। हिंदुस्तान में स्वशासन लागू, हिंदुस्तान में स्वशासन लागू। ए छोटू, क्यों अन्ना, अब भी कुश्ती लड़ते हो? जी। नमस्ते भीमराव। नमस्ते। रमा, विवाह आ गया। साहब आ गए? अरे मैं खुद जो आ गया हूँ, अब गहनों की क्या जरूरत है? क्यों? चलो। मैंने हमारे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं थे और मैं इतनी अकेली थी। आपकी बहुत याद आएगी। दिन रात हर पल हर कॉल आपकी बहुत याद आई। हर शनिवार आपके लिए व्रत रखा मैंने। मैं जानता हूं तुमने कितने दुख झेले हैं रामू, अकेलेपन में। कभी कभी लगता है कितना अपराधी हूं मैं। Thank you.
जग अंधा कबीरा कहे ये जग अंधा। कबीरा कहे ये जग अंधा कबीरा कहे ये जग अंधा। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया। झूठी चाम चटाई कबीरा कहे ये जग अंधा कबीरा कहे ये जग अंधा। घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया ओ पूरब दिशा से उठी है बदरिया। रिमझिम बरसत पानी रिमझिम बरसत पानी। पूरब दिशा से उठी है बदरिया रिमझिम बरसत पानी ओ रिमझिम बरसत पानी। अंधी जैसी गाय बछड़ा था सो मर गया। झूठी चाम चटाई कबीरा कहे ये जग अंधा कबीरा कहे। पढ़ाई खत्म हो गई होगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगम स्मरामि। जल्दी करो मछली बाजार शुरू हो जाए इससे पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। शुभ मंगल पर्दा पर्दा छोड़ दे ओ पर्दा पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात। पर्दा पर्दा छोड़ दे बिन पर्दे की बात। दुल्हन से दुल्हा मिला तो दुल्हन से दुल्हा मिला तो फीकी पड़ी बरात कभी ये जग। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? रामू मुझे वापस जाना है, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के आया हूँ मैं। इतना सारा पढ़कर क्या करेंगे आप? बहुत हुआ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे चिंता मत करो, आज ही नहीं जा रहा हूँ मैं। तुम्हें तो पता है कि मुझे बड़ौदा नौकरी करने जाना है। तो मैं भी साथ चलूंगी। पहले मैं जाता हूँ रहने की जगह ढूंढता हूँ, फिर आकर यशवंत और तुमको ले जाऊंगा। बोलो, मुझे कमरा चाहिए। तुम्हारा नाम? भीमराव अम्बेडकर। हिंदू? हाँ जी। जात? महार। माफ करो, कमरा नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए? मेरा होटल बंद करवाना चाहते हो? जी। दूसरी जगह देखो।
पैसेंजर छे। आओ आओ। तुम अकेले हो? जी। बस इतना ही लगे जाए? जी। अच्छा एम आओ आओ। खुदा रोशन रोशन, वो पारसी नहीं है, उसने सुधरे कुश्ती नहीं पहना है। तुम कौन है? तुम पारसी नहीं है? मैं पारसी हूँ। हमको बेवकूफ समझता है। ठीक है ठीक है, तुम्हारा सुधरे कुश्ती दिखाओ, चलो दिखाओ, बताओ। मैं हिंदू हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकता है, ये धर्मशाला हमारा बिरादरी ने खाली पारसी लोगों के लिए बनाया है। मैं समझ गया आपकी परेशानी, मैं पारसी नाम लिखूंगा रजिस्टर में, आपकी भी आमदनी हो सकती है, मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे घर मिलते ही ये जगह छोड़ दूंगा। मैं ऑफिसर हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बड़ौदा स्टेट के। ठीक है ठीक है, तुमको एक दिन का 5 आना भाड़ा देना पड़ेगा बोर्डिंग और लॉजिंग का, और तुमको रजिस्टर में लिखना होगा पारसी नाम। थैंक यू। मैं इसके वास्ते खाना लाती हूँ। अनीस कमरे में नहीं रह सकता है तुम, हम तुमको दूसरा कमरा देंगे। सामान उठाओ और आओ हमारे साथ। आओ, तुमको यही कमरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, अंदर है, स्टाफ सैलरी फाइल दीजिएगा। जरा एक ग्लास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। तो वो क्या है फिर? पानी नहीं है। देखो तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर महाराज को इस बात का पता चल जाए तो? हाँ जाओ बोल दो, हम नहीं डरते, ये हमारे धर्म का मामला है। अगर महाराजा तुम्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो अपने महल से लाकर पिलाए, वो महाराजा है, कुछ भी कर सकते हैं, वो नौकरी पे रख सकते हैं तुम जैसे गंदे अछूतों को। मुझे याद है जोशी, पर मुझे भी आपकी तरह इकोनॉमिक्स में 3% मार्क्स नहीं मिले थे मिस्टर मुखर्जी। हाँ। अरे वो तो प्रोफेसर सेलिगमैन की मेहरबानी थी। अच्छा, क्योंकि वो मुझे निराश नहीं करना चाहते थे। सच बात तो ये है कि मुझे 0 ही मिलना चाहिए था। अंबेडकर जी, मैं जहांगीर उमरीगर, सेक्रेटरी हूँ ऑफिसर्स क्लब का। कहिए, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, एक्सक्यूज मी, प्लीज कम सर। हमें मिला आपका एप्लीकेशन लेटर, हम आपको खुशी से मेंबर बना सकते हैं क्लब का, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। बुरा नहीं मानना, आपको अलग टेबल पर बैठना पड़ेगा, आप अपना अलग कांटा चमचा प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ हमारा एक मुस्लिम वेटर मकबूल अहमद ही आपको सर्व करने के लिए तैयार है। जोशी और मुखर्जी जैसे कोलंबिया के साथी होते हुए भी रहने की जगह नहीं मिली। वैसे मेरा बड़ौदा आना पिताजी को कहां पसंद था। तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है महाराजा का। महाराजा की सनक और मनमर्जी की ताल पर नाचना चाहते हो तुम, वो भी गुजरात में। पता है कितने रूढ़िवादी होते हैं वो लोग,
लेकिन मैं तो पहले ही हाँ कर चुका हूँ पिताजी। क्या? तारबेला के पिताजी की तबीयत बिगड़ी हुई है, उनके लिए मिठाई ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। आखिर मैं किसी तरह घर पहुंचा। पिताजी, पिताजी, दीवा, दीवा, तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा आदमी बना। नालायक नीच धोखेबाज झूठे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? हम जानते हैं कौन है तू। तू एक हिंदू चैन है पर एक अछूत है। कोई और जगह नहीं मिली क्या रहने के वास्ते? ये जगह कब तक खाली करेगा बोल। बस एक हफ्ता और मुझे यहाँ रहने की मोहलत दीजिए, मैं तब तक दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, बाहर निकल जाओ यहाँ से। सामान के साथ बाहर निकल जाना, वरना अगर आज रात तू यहाँ नजर आया इन डंडों से तेरा सर फोड़ डालेंगे, समझा? डॉक्टर अंबेडकर, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। आओ आओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैंने तुम्हारा थीसिस कास्ट इन इंडिया पढ़ा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद योर हाइनेस। बेटो, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दीवान कह रहे थे कि तुम कुछ परेशानी में हो। सर, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। अम्बेडकर, समझता हूं तुम्हारी परेशानी, मेरी भी कुछ मजबूरी होगी, सब धीरे धीरे होगा। वैसे भी तुम्हें यह नौकरी देकर मैंने क्रांति की शुरुआत कर दी है। तुम्हें मुझसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक ही दिन में जातिवाद का पूरा पहाड़ उड़ा के रख दूं। इन चीजों में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखना होगा। कॉलेज। सुनो, क्या ये बोरिंग अछूत हमें पढ़ा पाएगा? अरे देखना, मेरे पिताजी को पता लगती क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये नमूना अंग्रेजी बोल पाएगा? सच है। आई एम प्रोफेसर अंबेडकर, आई विल बी योर लेक्चरर इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन केस यू आर वंडरिंग what could I possibly teach you, allow me to introduce myself.
वैसे मैंने एमए और पीएचडी की डिग्री पाई है पब्लिक फाइनेंस में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेरी थीसिस का विषय है 1765 से आज तक का हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास। इसके अलावा मैं तैयारी कर रहा हूं एमएससी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर किसी को यह लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं और क्लास के बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं खुशी से अभी। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर आंबेडकर, हूं प्रोफेसर त्रिवेदी जी। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। तो मैं और क्या हूं? हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लेक्चरर छो, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि पीने का पानी आप घर से ही लाया कीजिए। अगर आप विद्वान प्रोफेसरों को मेरे पानी पीने पे एतराज होता है तो मेरा सुझाव है कि आप अपने घर से पीने का पानी लाएं। या फिर इस पानी को शुद्ध करें। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूं। अमेद शव चंडाल मध्यमाओ साधि दूषितार्थ, ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। फिर से दोहराऊं, अमेद शव चंडाल मध्यमाओ साधि दूषितार्थ। शासन ये एक महार का उतना ही जन्मसिद्ध अधिकार है जितना कि एक ब्राह्मण का, और जब तक इस विचार भाव का स्वीकार नहीं होता हिंदुस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं। जिस स्वराज में पिछड़ी जातियों को मूलभूत अधिकार नहीं मिलते वो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई गुलामी होगी। एक महार। ओह, कितना प्रभावशाली विधान है। दीवान साहब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है? नहीं योर हाइनेस। डॉक्टर अंबेडकर, दत्तोबा पवार ने मुझे बताया। डॉक्टर अंबेडकर एक पाक्षिक पत्रिका शुरू कर रहे हैं और उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। हाँ योर हाइनेस, मैं मानता हूँ कि आप वर्ण व्यवस्था की अनिष्ट प्रथा को मिटाने और नीची जाति वालों को ब्राह्मणों और पुजारियों के अन्याय से मुक्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है तो बहुत साहसपूर्ण, फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं दीवान साहब, हमें हर तरह से डॉक्टर अंबेडकर का उत्साह बढ़ाना चाहिए, हर तरह से। हम मदद करेंगे उनके पाक्षिक मूक नायक की। मूक नायक, वंचित जगत का नायक। किति किति सांगू तुला, किति किति सांगू तुलाग, किति किति सांगू तुलाग। शिवतरकर, लिखो। हिंदुस्तान भेदभाव का घर। हिंदू समाज कई मंजिली इमारत जैसा है जिसमें ना तो दरवाजे हैं और ना ही सीढ़ियां। जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ है उसे उसी मंजिल पर मरना है। इस मानगांव परिषद ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे।
अंबेडकर, ओ अंबेडकर। रमा, कौन हो सकता है? ओ अंबेडकर। लगता है शाहू महाराज हैं। चलो ऊपर ही चलते हैं। जी। नमस्ते महाराज, बैठिए। अंबेडकर। हाँ, एक कप तुम्हारी स्पेशल चाय मिलेगी बहन रमा भाई। रामुक चाय। ये बात बिल्कुल सच है कि हर महान आदमी के पीछे एक स्त्री होती है, रमा बहन जैसी। तुम भाग्यशाली हो अंबेडकर। पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो ना, मेरी छोटी सी भेंट, खोलिए उसे। धन्यवाद। बहुत अच्छे, तो चले मूकनायक ऑफिस जो जाना है। रामू, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत दुखी और अकेली हो जाओगी, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। सिर्फ 2 ही साल की तो बात है। वेल, ये कचरा वापस आ गया। ओ अंबेडकर, माफ कीजिए, चिकन खत्म हो गया, अभी परोस दिया बचा कुचा, अब सिर्फ गोभी और रसा बचा है। हे, क्या हुआ? रॉबर्ट। ओह, तो तुम मेरे हिस्से का चिकन खा रहे हो, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। मेरे पिता कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कुत्ते बाहर बैठकर खाते हैं, हमारे साथ नहीं। माफी मांगो, मांगो माफी। ठीक है, माफी चाहता हूं। अच्छी खबर है, बहुत अच्छी। तुमने नहीं सुनी, प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई गए थे। तो क्या हुआ? सारे बाजार बंद हो गए, काले झंडे दिखाए, गांधी जी ने ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई। और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें गांधी जी को जलाना चाहिए। जैसे कि अस्नोडकर, हिंदुस्तान में आज 6 करोड़ अछूत हैं जिन्हें नागरिक, कानूनी, राजनैतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 9:30 बजे तक जलती रही,
मैंने तुम्हें पूरी रात बत्ती जलाने की इजाजत नहीं दी है, समझे? अब 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उसके बाद लाइट बंद। प्रीशी उतरकर, मूक नायक कैसा है? यहाँ जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरी मकान मालकिन बहुत रूखी और भयंकर औरत है। मुझे थोड़े से नाश्ते से ही संतोष करना पड़ता है। यह लंदन की खामोश रातों में मुझे बाड़ाराम भाव का क्लैरिनेट सुनाई पड़ता है। मुझे रमाबाई की चिंता है, तुम उसका ख्याल रखना जैसे हमेशा रखते आए हो। मुझे घर से खबर मिली है कि ट्यूशन टीचर नियमित नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पैसों की बात है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दो या कोई दूसरा टीचर रख लो। बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में तुम खुद ध्यान देना, भीमराव। यहाँ बम्बई में तो तुम्हारे लिए एक मिनट की फुर्सत नहीं होती, और अब देखो हजारों मील दूर तुम्हारी चिंता होने लगी है। एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में खाना मना है। एक्सक्यूज मी, हम लोग उस दिन मिले थे। हम मिले थे जब तुम्हारे पेपर्स गिर गए थे और मैंने उठाए थे। हाँ, याद आया। फैनी फिट्ज़जेरल्ड। भीमराव अंबेडकर। प्लेजर टू मीट यू। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ के कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे काम आ सके। क्यों ना हम कॉफी पीने चले, और तुम मुझे बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय कौन से हैं? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही तो लगेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों, क्या हुआ? बात वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दे दूंगी। ओ कम ऑन, यकीन मानो इससे मेरा दिवाला नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग अंबेडकर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारा मूक नायक पढ़ा, डंप हीरो। तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाय द वे, पता है शाहू महाराज नहीं रहे। आज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, बंबई से अभी अभी आया है, उसी ने बताया। All be made alive. मेरे पति की मौत हुई तब मैं भी मरना चाहती थी। मैं बहुत खुदगर्जी से पेश आया हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। कुछ बताने लायक है भी नहीं। लड़ाई में मारे गए वो। और बच्चे? मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, एक वही बची है मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। भीमराव रामजी अंबेडकर।
I hereby call you to the bar and do publish you barrister. दोस्त नए वकील के नाम, वो अपनी लड़ाई साहस से लड़े और उसे बहुत सफलता मिले। मेरे दोस्तों पर भगवान अपनी कृपा रखे और उन्हें तकलीफों से दूर रखे। भीम, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये बाइबल। बाइबल? मैं बाइबल पर एक किताब लिखने वाला हूँ और उसे तुम्हें समर्पित करूंगा। वेल थैंक यू। अंबेडकर, तुमने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए यहां बुलाया है। तुम्हें निराश करने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें इसे दोबारा लिखना होगा। तुम्हारे निष्कर्षों से हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर मेरे ख्याल से वो गलत है। एग्जामिनर्स का भी यही मानना है। फिर भी हम किसी को अपने विचार बदलने के लिए नहीं कहेंगे, महज इसलिए कि हम चाहते हैं। इसलिए तुम अपने निष्कर्षों को वैसे का वैसा ही रखो अंबेडकर, सिर्फ अपने तेवर थोड़े से बदल दो, मतलब कि अपनी भाषा। ये एक इकोनॉमिक्स थीसिस की बात है अंबेडकर, हुकूमत को नीचा दिखाने का जरिया नहीं। भीम, क्या हुआ? क्या उन्हें थीसिस पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, पर क्यों? मेरी भाषा ने उन्हें नाराज कर दिया। जो सच है मैंने तो वही लिखा ना। साम्राज्यवाद मैंने तो पैदा नहीं किया था, उन्होंने किया था। भीम, अब तुम क्या करोगे? फिर से लिखूंगा। पेपर, 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 पेपर। अचानक मैं लक्ष्मी बाई ने रुको दो, पहले मैं तुमसे तो मिली। कैसे हो? रमा, कौन है? साहब, साहब। यशवंत, ये पेन और कंपास बॉक्स तुम्हारे लिए। नमो आदि माया भगवती अनादि सिद्ध मूल। कल बाजार जाएंगे और नए कपड़े खरीदेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ और लक्ष्मी बहनी के लिए भी। ये है मेरी लॉ डिग्री। जानते हो उन्होंने क्या कहा? भीमराव रामजी अंबेडकर, आई हियरबाय कॉल यू टू द बार एंड डू पब्लिश यू बैरिस्टर। तुम लोग अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में? क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी मां की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। तुम क्यों दुनिया के दुखों, गरीबी और गुलामी के बोझ को अपनी शोचनीय, तुच्छ, घृणित और नरक जैसी जिंदगी से और अधिक भारी करते हो? तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो
तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, जो सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि अछूतों को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? क्या हमें बर्दाश्त करेंगे? हमारे गुलामों जैसी लेनदेन होगी, हम कांग्रेस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? गांधी जो महान समाज सुधारक है उस वक्त जेल में थे और वो चुप रहे। क्या हमें ऐसे मसीहाओं की जरूरत है जो ज्यादा फिक्र करते हैं उन रूढ़िवादी मुसलमानों की जो मांग करते हैं खिलाफत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए और अपनी शिकायतें सरकार के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें, जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अलग अलग धर्मों के बहुत से उदारतावादी मित्र हमारा साथ दे रहे हैं। साहब, 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 क्या चाहिए तुम्हें? इस घर में थोड़ी शांति नहीं मिल सकती? सुबह से कमरा बंद करके बैठे हैं, कुछ कुछ खाया तक नहीं। खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। तुम खा लो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रामू, क्या हुआ? रामू, क्या बात है, क्या हुआ? प्रिय दत्तोबा, हमारे बेटे राजरत्न ने मेरे व्यस्त जीवन में खुशियां भर दी हैं। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे अपने पिताजी का प्यार और ममता याद आती है। मैं अपने आप को एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी निजी जाति का होने से हर चीज मुश्किल हो जाती है। तब राजरत्न सब फुला देता है। भीमराव, भीमराव, राजरत्न बहुत बीमार है, आप जल्दी चलिए। भोली भाली और हसमुख संतान को दफन कर दिया है, हमारी जिंदगी का सारा स्वाद चला गया है। तुम्हें बताओ दत्तोबा, भाग्य इतना बेरहम क्यों होता है? राजरत्न को क्यों मरना पड़ा, क्यों? मैं भीमराव रामजी अंबेडकर, बॉम्बे वैधानिक सभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर ये विधिवत प्रतिज्ञा लेता हूँ, ये विधिवत प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं महामहिम बादशाह सलामत के प्रति, कि मैं महामहिम बादशाह सलामत के प्रति पूरी निष्ठा और आस्था रखूंगा, पूरी निष्ठा और आस्था रखूंगा जैसे कानूनन स्थापित है, जैसे कानूनन स्थापित है, और मैं ब्रिटिश सरकार के, और मैं ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व और एकता का समर्थन करूंगा, प्रभुत्व और एकता का समर्थन करूंगा। हमें अपना आंदोलन कोंकण से शुरू करना चाहिए। यह जगह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोले प्रस्ताव के अंतर्गत आती है, जो कि अछूतों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने की इजाजत देता है। हम लोग महाड आंदोलन की शुरुआत चौदार तालाब को अछूतों के उपयोग के लिए खोलकर करेंगे। यहां से एक सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। और देखो, सहस्त्रबुद्धे, चित्रे और टिपणिस, तुम लोग गांव गांव में जाकर हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करो। Come on.
आखिर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए एक तमाशा थिएटर किराए पर लिया है और भारी संख्या में लोग महार की तरफ कूच कर रहे हैं। मुझे इस परिषद का अध्यक्ष बनाकर आपने जो इज्जत दी है मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। यहां आकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला अक्षर दापोली में ही सीखा। वो जगह सभी की यादों में बस जाती है जहां अपना बचपन बीता हो। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि हम सदियों से नाइंसाफी बर्दाश्त करते आए हैं। मेरी आपसे सलाह है कि उतार फेंकिए वो गंदा रहन सहन और बाहर निकलिए उस नरक से जिसमें रहने के लिए सवर्ण हिंदुओं ने हमें मजबूर किया है। तो शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। अपने ऊपर भरोसा कीजिए और साफ सुथरे रहिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रतिज्ञा करें कि अब से सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे, जूठन नहीं उठाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके अंदर यह भावना पैदा कीजिए कि जिंदगी में उन्हें बड़ा आदमी बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता या दौलत पाने की नहीं है, अपनी आजादी और आत्मसम्मान पाने की है। हम इंसाफ की राह पर हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमारी हार का सवाल ही नहीं। महाट के अछूतों को पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी समस्या दूर करने के लिए महाड म्युनिसिपैलिटी ने बोले प्रस्ताव के अंतर्गत चौदार तालाब 1923 में ही जनता के लिए खोला है। इसके बावजूद महाड के अछूतों ने इस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है वे डरते हैं। मैं परिषद से अपील करता हूँ कि वो इस मामले में दिशा दें। तो क्यों ना हम शांतिपूर्वक चौदार तालाब चले और पानी पिए जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब।
शिव तरकर। डॉक्टर साहब, दंगा हो गया। दंगा? हाँ, दंगा। उनके हाथों में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए। परिषद खत्म हो चुकी है, लोग शांति से चले गए हैं। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं और याद रखिए, तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उनका सिर फोड़ेंगे। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरी विनती है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें। हम कानून का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंचे, कानून अपने हाथ में ना लें। हम और ज्यादा खून खराबा और बर्बादी नहीं होने देना चाहते। शांति से अपने गाँव लौट जाए, मेरी यही विनती है। जाइए। ना उसने कुछ खाया, तेरी ही फिक्र में बीमार हुई है वो। तुम अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मुझे पता है मैं क्या करूं। अरे सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भीमा, जब तू पढ़ रहा था, तेरे बीवी बच्चों को किसने पाला? जब तेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बता मुझे किसने पाला? तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। घर के सारे बर्तन भी मेरे पैसों से खरीदे गए हैं, मेरे पैसों से, समझे तुम? तो उठा कर ले जाइए। ठीक है, मैं सब लेके जाऊंगा। सारे बर्तन मेरे हैं, मैंने छोड़ दो मुझे। मैं कभी इस घर में अपने पैर नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखूंगा, समझे? कभी नहीं देखूंगा। फौजी, आपने कुछ खाया? नायक को बंद करना पड़ा। उसकी जगह मैं एक नया पाक्षिक शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम होगा बहिष्कृत भारत, जो पीड़ित वर्ग की शिकायतों को आवाज देगा। मैं दूसरी उपजातियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक होकर महाट के सत्याग्रह को मजबूत बनाए। आपके लिए टेलीग्राम है अमेरिका से, आपको बधाई दी है। लिखा है आपने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति की नींव रख दी। नहीं कि तालाब शुद्ध कर दिया गया है। एक और टेलीग्राम बनारस से आया है, लिखा है हम आपकी हरकत का विरोध करते हैं, इन हरकतों से बाज नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। अरे यार, दो चाय ले, चार नंबर पे। फारूक भाई, हमें कुछ खाने को दीजिए। और बहिष्कृत भारत का नया अंक, सारी प्रतियां बिक गई। शाबाश। काउंसिल की मीटिंग कैसी रही? तूफानी। तो बताओ क्या स्थिति है महाड में? मोरे सवर्णों ने उन अछूतों के बहिष्कार की घोषणा की है जो महाड़ आए थे। वहाँ के
सारे गांव में हमारे लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवन उन्हें अनाज तक नहीं देते, कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर मारपीट करते रहते हैं, कईयों को तो जेल में डाल दिया। उन्होंने मुझे भी इतना मारा कि उनके नसीब में है सिर्फ धमकियां और अत्याचार। और महाड़ म्युनिसिपल काउंसिल ने तो प्रस्ताव पास किया है कि 14 टैंक अछूतों के लिए बिल्कुल खोला नहीं जाएगा। जानलेवा बीमारियों का इलाज सख्ती से करना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ये पत्र गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता श्रीमान जवड़कर की तरफ से आया है। लिखते हैं, हम महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण नेता ये घोषणा करते हैं कि आपके सत्याग्रह को हम तन मन से सहयोग देंगे, लेकिन एक शर्त है, कोई ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। ये मान लेना गलत है कि सारे ब्राह्मण अछूतों के दुश्मन हैं। निजी तौर पर मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है, मुझे घृणा है ब्राह्मणवाद की भावना से, जो कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में हो सकती है। यह तय हुआ है कि 25-26 दिसंबर 1927 इन दिनों हम सबका महाड़ में सत्याग्रह होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर अंबेडकर, मैं सारंग पुलिस सुपरिंटेंडेंट, कलेक्टर मिस्टर हुड आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज कम। भाइयों, महाड़ जाते समय कड़ा अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन के बिना सत्याग्रह की ताकत कम हो जाती है। नेतृत्व चित्रे करेंगे, मैं बाद में शामिल होंगी। सहस्त्रबुद्धे जी आइए। चलो महाराज, अस्पृश्यता नष्ट करो, अस्पृश्यता नष्ट करो। डॉक्टर अंबेडकर की जय। डॉक्टर अंबेडकर की जय। नजर रखना कि कोई टैंक के नजदीक आने ना पाए, ठीक है? आप मुझे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सवर्णों ने कोर्ट में दावा किया है कि टैंक उनकी अपनी निजी मिल्कियत है और सिविल कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। मिस्टर हुड, आप और मैं दोनों अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि ये दावा सरासर झूठा है। अब ये सब तो कोर्ट ही तय करेगा कि सवर्णों का दावा सच्चा है या झूठा। लेकिन इस सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम उस तालाब से पानी पिए। देखिए, अगर आप जिद करेंगे तो मुझे गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी और ये अदालत की बेइज्जती का जुर्म होगा। क्या आप अपने 10,000 लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं? इससे कौन सा मकसद हल होगा? आप तो जानते हैं मैं आपके आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। 4 या 5 लोगों के समुदाय को प्रतिबंध लगाने के हुक्म को मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है। थैंक यू, हम आपके आभारी हैं। क्या मैं आप लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता हूँ, बस चंद मिनटों के लिए, जुलूस के टैंक की तरफ निकलने से पहले? ये हो सकता है। अब इजाजत दीजिए, वहां बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। थैंक यू। ये परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते।
भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुले आम दहन किया जाए। शुद्रतु कार्ये दास्यम कृतभकृतमेव वा दास्यायौ हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयंभुवा। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौ हि चितोऽस्व कर्मभ्य क्षोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद्युच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। प्रिय भावराव, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, लेकिन अपने खिलाफ तमाम गुस्से और आग के बावजूद भी मैं कमीशन को मिलने जाऊंगा। इस मुश्किल खड़ी में मुझे बड़ा रणभाव की याद आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया होता। लॉ कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मैं पूना जा रहा हूँ, वहाँ कल मेरी साइमन कमीशन के साथ मीटिंग है। साहब, अपना ख्याल रखना। मड़के बुआ कह रहे थे आपके दुश्मन कभी। रामो, तुम्हें अभी भी बुखार है, दवाइयाँ लेना मत भूलना। मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा ये दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो? फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा। सर, आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी यह इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हों? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के अंबेडकर, अंबेडकर, ब्रिटिशों के हस्तक, अंबेडकर, 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 देशद्रोही अंबेडकर, 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 देशद्रोही अंबेडकर। डॉक्टर साहब,
क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। यह व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नायक, अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, ना कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सेवा में श्री नारायण गाड़गिल संपादक कोहिनूर, श्री काराराम मंदिर पंचवटी के न्यासी मंदिर के मालिक नहीं है, उन्हें मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मंदिर की स्थापना से ही हमारे पूर्वज यहाँ के पुजारी नियुक्त किए गए थे और हम इस परंपरा का प्रामाणिकता से पालन कर रहे हैं। हम पुजारी इस मंदिर की सर्वोच्च शक्ति है। अगर न्यासियों ने अपने अधिकारों का उपयोग मंदिर की पवित्रता भंग कर अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया तो हम तीव्र विरोध करेंगे। जल्दी बाहर निकलो, मंदिर के चारों दरवाजे बंद करो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में प्रवेश और भगवान की पूजा का अधिकार स्थापित करना है। मैं समझता हूं इसके लिए सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं। भावराव, लोगों को चारों द्वारों पर तैनात कीजिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। द्वार खुलते ही सबसे पहले प्रवेश करने वाले हम लोगों के। डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि द्वार पर इकट्ठा होकर लोगों को अंदर न जाने देना एक जुर्म है? हाँ है मिस्टर गॉर्डन, मैं जानता हूँ।
अगर मैं इंडियन पिनल कोड की धारा 144 लागू कर दूं तो आपके सिर्फ 4 लोग ही रह पाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोग अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेंगे। गाली छेड़ू ना पत्ता छेड़ू ना कोई जीव सताऊं, पात पात में प्रभु बसत है वही शीश नवाऊं। रथ यात्रा के संबंध में आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हम अछूत भगवान का रथ खींचने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे और रथ में रखी हुई मूर्ति की पूजा करेंगे, यही तो परंपरा रही। सवर्ण हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार तक रथ खींच कर लाएंगे। द्वार से 10 फीट के बाद वो लोग रथ छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आपके लोग रथ की रस्सी को खींचेंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर। और क्या रंग हमें 50 लोग चुनने हैं उस रथ को खींचने के लिए। लेकिन 5,000 लोगों में से 50 कैसे चुनेंगे? उन्हें चुनिए जो भारी भरकम और तगड़े हों। मेरी बात सुनो नाइक, जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई और पुलिस को हटाने की धमकी से हमारे सामने अब यह साफ है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों में सरकार की कोई रुचि नहीं है। ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं है। मैं नासिक के मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमत नहीं। इस मामले में अपना बयान मैं सरकार को पहले ही लिखकर भेज चुका हूँ, जो कि सही है। डॉक्टर साहब कहिए, वॉइसरॉय साहब ने भेजा है। धन्यवाद। ओ, ये तो निमंत्रण पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभिनंदन। धन्यवाद। प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं?
ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं, हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम छा गए। भाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था। मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कल ही की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा, गुड बाय। सर, जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अंबेडकर, आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियाँ लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। थैंक यू मुझसे बात करने का। माय प्लेजर। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके आंदोलन को काफी समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने गोल में सभा का बहिष्कार किया, लेकिन आप उसमें शामिल हुए। फिर भी हाल ही में आपने बचाव किया उन 47 कांग्रेसी सत्याग्रहियों का जो चिरनेर फायरिंग केस में शामिल थे। क्या ये अंतर विरोधी नहीं? मिस रोजा एपस्टाइन। हाँ, मिस एपस्टाइन, मेरी स्थिति बिल्कुल अंतर्विरोधी नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों की वजह से ये केस हाथ में लिया। मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार के टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन खुद गांधी जी ने बुलावा क्यों? जाहिर है, भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा। उनके असर से बचे रहना, वो भगवान नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते बापूजी, छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। कहां तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूं बापू। गुड, तुम बिल्कुल सही कात रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही। गुड गुड, दैट इज राइट। बापू जी, डॉक्टर अंबेडकर आ गया जी। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर अंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ हाँ हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूँ मेरे बचपन से, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई, और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं
अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दाम्भिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च किए, मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया, मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए। जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं जो धूल तोड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं। लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान ना रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा ना कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है। आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूँ। यह सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूं। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहां खड़े हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असह्यम महादेव भाई। जी बापू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार है? सारी दुनिया जानती है बापू। सारी दुनिया जानती होगी पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा वे तो पुरोगामी ब्राह्मण हैं पूना के। मिस्टर गांधी आज गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार के चुने हुए हैं ना कि हिंदुस्तानी जनता के। मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली जरूरत है पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना, वही एक रास्ता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर आपको नहीं लगता कि शिक्षा से दलितों की स्थिति में सुधार होगा? लगता है आप गांधी जी से मिलकर आए हैं। हम लोगों में से सबसे ज्यादा शिक्षित मैं हूँ, फिर भी समाज मेरे साथ अछूतों जैसा ही बर्ताव करता। आप क्या मांगे रखने वाले हैं? हम स्पष्ट विभाजन चाहते हैं हमारे और सवर्णों के बीच। आप ये सब कैसे करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों को ऐसा मूल अधिकार दिया जाए जिसके तहत छुआछूत कानूनन जुर्म हो और दोषी सजा का हकदार। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर, मिस्टर गांधी ने कहा है कि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम गंभीर होगा और जो अछूत है वो फिर भी अछूत ही रह जाएंगे। उन्हें कहने दीजिए। आप हजार साल से बह रही धारा को रोककर उसे विरुद्ध दिशा में नहीं बहा सकते। दमन करने वाले कभी सिया नहीं बन सकते। हम राजनीतिक सत्ता चाहते हैं न कि सिर्फ खूबसूरत शब्द, अच्छे हृदय या दान। प्लीज मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों को विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए, अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस दोनों विरुद्ध हैं
उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारे खिलाफ लड़ाई का पिघल बच गया। भीम, क्या हुआ? उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी को स्थगित कर दिया है। बाकी वो मुसलमानों के साथ एक सौदा करने वाले हैं। सौदा किस तरह का? कांग्रेस मुसलमानों की 14 मांगे मान लेगी अगर मुसलमान हमारा विरोध करें तो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। संत? वो एक मंझे हुए राजनेता है फैनी। कोई रास्ता नहीं बचता तो मिस्टर गांधी फिर षड्यंत्र करते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ घोषणा करनी पड़ रही है कि हम सांप्रदायिकता के प्रश्न और आपसी बातचीत के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे हैं। ये असफलता कमेटी के गठन में ही छिपी थी, जिसके सदस्य सरकार के प्रतिनिधि तो हैं मगर जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अछूत भी शामिल है। और मिस्टर चेयरमैन सर, मुझे इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि अपने समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, पर महात्मा जी का दावा है कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग अक्सर देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पिछड़ी जातियों के लोग मेरे पास देश के कोने कोने से भेज रहे हैं। उनका कांग्रेस के आंदोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के तरीके का विरोध करते हैं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कि अछूत वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में या किसी खास दल के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सारे समुदायों की सही साझेदारी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि छुआछूत अब बिल्कुल खत्म होने वाली है और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने से ये कलंक बना रहेगा। मैं हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर यह समझाना चाहूंगा अछूतों को कि छुआछूत हटाने का ये तरीका नहीं है। मेरे लिए तो छुआछूत जिंदा रहने से बेहतर है हिंदू धर्म की मौत। मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की, पर ऐसा लगता है कि जिस भयानक अन्याय की चक्की में वे पिस चुके हैं और संभवतः जिन कटु अनुभवों से वे गुजरे हैं उनके कारण वे गुमराह हो गए। डॉक्टर अंबेडकर का यह दावा कि वे समस्त अछूतों की वकालत करते हैं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये विनयता से कहता हूं कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं हिंदुस्तान के समस्त अछूतों का, अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की। जो लोग बातें करते हैं अपने हिंदुस्तान को कतई नहीं जानते। प्राणों की बाजी लगाकर इस तरह के राजनीतिक बंटवारे का मैं विरोध करूंगा। ये सरकार जातियों के आपसी मतभेदों को संविधान बनाने के काम में रुकावट नहीं डालने देगी। इसलिए जातियों के आपसी मतभेदों को आप कभी भी ज्यादा अहमियत ना दें। आप लोग, आप में से हर एक, इस कमेटी का हर एक सदस्य जातिगत सवाल को हल करने के लिए अपने हाथों दरखास्त लिखकर क्या मुझे भेजेगा और क्या मेरे फैसले को मानेगा? थैंक यू।
मिस्टर मैकडोनल्ड ने पिछड़ी जातियों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की है। यरौडा जेल में महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुओं का बंटवारा करने वाले इस निर्णय का वे तीव्र विरोध करेंगे। इसलिए हमें यह हमारा दायित्व समझा। मैकडोनल्ड के अलग चुनाव क्षेत्र की बात गांधी जी ने तो कभी मानी नहीं, लेकिन मुसलमान सिख और ईसाइयों को तो अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं, वो उसका विरोध क्यों नहीं करते? सिर्फ हमें ही परे रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वो? महात्मा जी के तरीकों की गहराई को समझना हम सामान्य जनों के बस में कहा, लेकिन महात्मा भी कोई अमर व्यक्ति नहीं है, ना ही कांग्रेस। महात्मा जी का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो छुआछूत दूर करने की बात को गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत सारे महात्मा हिंदुस्तान में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। महात्मा आए और महात्मा चले गए, लेकिन अछूत फिर भी अछूत ही रह गए। मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते? बहुत काम करना है मुझे। वहाँ गांधी जी खतरे में है और ये यहाँ शांति से जीना चाहते हैं। आप जाकर क्यों नहीं मिलते महात्मा जी से पूना में? आखिर क्यों, मैं जो चाहता हूँ मैंने बता दिया। मुझे काम करने दीजिए, कल सुबह मुझे कोर्ट जाना है एक केस के लिए। क्या पैसा कमाना तुम्हारे लिए गांधी जी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? मैडम पेरिन और मिस्टर ठक्कर, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आपके नेताओं को रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं होती होगी। अगर मैं काम नहीं करूं तो खाओ क्या, मेरा परिवार भूखों मरेगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया भर से हमें तार मिल रहे हैं जिनमें गांधी जी की जिंदगी बचाने की प्रार्थना की गई है। महात्मा जी को बचाना ही चाहिए, लेकिन हमारे हकों के सामने आप गांधी जी की जिंदगी का प्रश्न आखिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन अपने लोगों के हकों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा सिर्फ गांधी जी की जिंदगी बचाने के लिए। आप गांधी जी से विनती करें कि वो अपना उपोषण एक हफ्ता विलंबित करें और फिर हल ढूंढिए इस समस्या का। से बात मनवा लेने के अपने तरीके हैं, हमें भी अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। उपवास शुरू करके उन्होंने तो हमें खलनायक ही बना दिया। कौन है? वहीनी, आपको तो बुखार था, आपको नहीं आना चाहिए था। उन्होंने अपना खाना बिना छुए भेज दिया। मुझे पता है वो बीमार थे, इंग्लैंड में जा। बैठो। क्यों अपने आप को मारने पर तुली हुई हो? और भी बहुत सी परेशानियां हैं मुझे। खाएंगे नहीं। एमा, करीब 12 बजने को है, उपवास अब शुरू होगा। मल्लम भाई, मेरी ईश्वर के साथ लड़ाई शुरू होती है। आपके आराम करने से पहले बाबू, पत्रकार आपसे मिलना चाहते हैं। रमा। अरे आप आते हैं? लेटे रहो, लेटे रहो, आराम करो। आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं नहीं रमा, तुम मत उठो, मैं खाना लाती हूँ। लेटे रहो। तुम दवाई तो ले रही हो ना? लड़ रहे हैं आप गांधी बाबा से? ये तो मेरे भाग्य में है, ना लड़ो तो हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे।
आपत्ति नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर से पहले मिलना चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। चलिए। इंसाफी कर रहा है हमारे साथ। यह तो मेरी मजबूरी है, आपका क्या सुझाव? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ने का। मैं समझ गया, आरक्षित सीटें, पर उनकी संख्या में समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अंबेडकर, मैं सदैव आपके साथ हूं। आप अछूत हो जन्म से, मैंने खुद को अछूत मानना अपना लिया है। आप मुझे बचाना चाहते हैं, मैं जानता हूं। जी गांधी जी, मैं अलग चुनाव क्षेत्र की बात पर अड़ नहीं रहा हूं सिद्धांतों की वजह से। हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक विधान मंडल में भेजने के लिए ऐसे लोग छांटें जो सिर्फ नाम के नहीं उनके असली प्रतिनिधि हों। बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ सीटों के लिए पैनल और कुछ के लिए सीधा चुनाव? इससे तो एक अनैसर्गिक विभाजन हो जाएगा शोषित पीड़ित वर्गों में और आपस में बंटवारा भी। क्यों ना पैनल के द्वारा प्रारंभिक चुनाव करें सभी सीटों के लिए। ठीक है, सभी सीटों के लिए पैनल मंजूर है मुझे। शाबाश, अब पैनल बना हो 5 का बजाय 2 के। मैं आपको वचन देता हूं अंबेडकर, आज से मेरी पूरी जिंदगी इस देश से छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए ही अर्पित होगी। अब बाकी बातें विस्तार से इन साथियों के साथ। मैंने अपने बाकी साथियों से बात की है। प्रांतीय सभा के लिए वो लोग 126 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन हम लोग 197 सीटों की मांग पर अडिग हैं। इस तरह जान खतरे में डालना ठीक नहीं है। तो हम सहमत हैं 148 सीटें देने के लिए और हिंदू सीटों में से 10% सेंट्रल असेंबली में। लेकिन प्राथमिक चुनाव की व्यवस्था 10 साल के अंत में खत्म होनी चाहिए और आरक्षित सीटों का सवाल अगले 15 साल तक जनमत से तय किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, सुरक्षित सीटों और अलगाव का पाप बढ़कर महापाप हो जाएगा अगर हम उसे खत्म करने का जिम्मा पीड़ित वर्ग की मर्जी पर छोड़ दें। और जनमत संग्रह के लिए 15 साल का समय मांग रहे हैं आप।
मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि अगले 20 सालों में छुआछूत की प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन जब सवर्णों को डेमोक्लेस की तलवार का सामना करना पड़ेगा तभी उनका अछूतों के प्रति अमानवीय व्यवहार बदल पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, आप समझते क्यों नहीं, गांधी जी की जिंदगी खतरे में है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? ओ, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मैं किसी को साफ करने के लिए कह दूंगा। देवदास, बापूजी कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा हालत गंभीर है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ओ। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वे बहुत कमजोर हो गए हैं। आपने सुना देवदास क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर, मान जाइए, मान जाइए, जनमत की बात को ना उठाइए, मान जाइए। मैंने इनकी बहुत सारी बातें मान ली हैं बापूजी। 197 से 150 सीटों पर आ गया, केंद्रीय विधानमंडल में 18% और पैनल में 4। मैं मानता हूं कि इस वजह से छुआछूत की प्रथा 15 या 20 सालों में गायब नहीं हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि इस मसले पर 10 सालों में पीड़ित वर्गों का मत संग्रह करा लिया जाए, लेकिन ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मतलब इससे सवर्णों की धीरज की अग्नि परीक्षा हो जाएगी? विचार बुरा नहीं, पर इतना इंतजार क्यों करे? क्यों ना 5 साल में? सवर्णों के अछूतों पर सदियों से किए हुए अत्याचारों के खिलाफ अछूतों के अंदर जो पीड़ा और नाराजगी है, क्या उसे बयान करने की जरूरत है? तब भी आप सोचते हैं बापूजी कि 5 साल? जानता हूं आपको हक है अपने बचाव की मांगे करने का, पर अपनी इस मृत्युशैया पर लेटे हुए मैं आपसे उदारता की अपेक्षा रखता हूं, थोड़ी मोहलत मांगता हूं सवर्णों के लिए। उनका ईमान अब जागने लगा है अंबेडकर, कानूनी उपाय करेंगे इस वक्त तो फिर हृदय परिवर्तन और आत्मशुद्धि के इस कार्य में विलंब हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ठीक है जनमत, लेकिन 5 साल के अंदर। पांच साल या मेरी जिंदगी। डॉक्टर अंबेडकर, हमें अब चलना चाहिए। मिस्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच लंबे समय से चला आ रहा आमना सामना आज आखिर पूना करार के रूप में खत्म हो गया। डॉक्टर ने इस पर जनमत संग्रह की शर्त के बिना दस्तखत करना कबूल कर लिया है। इस समझौते पे डॉक्टर अंबेडकर और पंडित मालवीय दस्तखत करेंगे, इससे गांधी जी का दीर्घ कुपोषण भी समाप्त हो जाएगा। Vaishnava Janaka।
डॉक्टर अंबेडकर, एक बार फिर लोगों के मन में आप गुस्से की वजह बन गए। मैं क्या कहूं मिस एपस्टाइन, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज इस देश के हिंदुओं के दिल में सबसे ज्यादा नफरत मेरे लिए है। मुझे देशद्रोही करार दिया गया, नाशक ठहराया गया, हिंदुत्व का, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन जब ये धुआं हट जाएगा और जब इतिहासकार निष्पक्ष होकर मेरी जिंदगी का वापस लेखा जोखा करेंगे, तब उन्हें जाकर मेरी देशभक्ति का एहसास होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं कि पीड़ित वर्गों का मेरे काम में असीम विश्वास है। ये पक्का है कि मैं उनके दिल में हमेशा बसा रहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका और आपके साथियों का समर्थन चाहता हूं। सुब्बरायन और अय्यंगार मंदिर प्रवेश के पिल पर। मान लीजिए मैं मंदिर प्रवेश बिल को स्वीकार कर लूं, लेकिन चातुर्वर्ण और जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करूं, आप कौन सा पक्ष लेंगे? और अगर मैं चातुर्वर्ण को स्वीकार कर लूं, तो आपकी उसको लेकर क्या व्याख्या होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या इसका उल्टा, सबसे ऊपर शूद्र? डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक हिंदू हूं इसलिए नहीं कि मैंने हिंदू के घर जन्म लिया, बल्कि इसलिए ये मेरी इच्छा है और विश्वास है। कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है हिंदू धर्म में, जिसका मैं आचरण करता हूं। लेकिन अगर आपका झगड़ा वर्ण व्यवस्था से है, तो फिर मैं नहीं हूं आपके पक्ष में, क्योंकि मेरी यह दृढ़ आस्था है कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब मैं भी आपके पक्ष में नहीं हूं। बापू, हमारी मुक्ति राजनीतिक सत्ता पाने पर होगी, ना कि तीर्थ यात्रा या फिर उपवास करने से। इजाजत चाहूंगा। वैसे मैं एक राय दूं, हमेशा इस उपवास रूपी हथियार का इस्तेमाल ना करें। आपकी जिंदगी कीमती है, देश को जरूरत है आपकी। मैं जानती हूं आपको किताबों से लगाव है, लेकिन ये तो हद है। आपने किताबों के लिए घर बनवाया है? अगले सप्ताह मुझे फिर लंदन जाना है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। रमा, यहां बैठो। इच्छा है साहब। अगली बार मैं इलाज के लिए तुम्हें अमेरिका ले चलूंगा। नहीं, यह ठीक होगा। अमेरिका और इंग्लैंड नहीं, पंढरपुर। मैं पंढरपुर के विठोबा के सामने सिर नवाना चाहती हूँ। मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। भगवान विठोबा निजी जाति के लोगों को दर्शन नहीं देता। ऐसे भगवान के पास क्यों जाएं, जो कि हमें आशीर्वाद भी नहीं देना चाहता। नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए आप लड़े थे। हाँ, लेकिन वो लड़ाई हमारे हकों की थी, भगवान के दर्शन के लिए नहीं। अगर वो हमें हिंदू मानते हैं, तो भगवान के दर्शन पर भी हमारा हक होना चाहिए। मैं और अछूतों की तरह दूर से ही दर्शन कर लूंगी। नहीं नहीं रामा, नहीं। समझने की कोशिश करो रामा, जो भक्तों के बीच भेदभाव करें, वो भगवान भगवान नहीं, पत्थर है। हमारा भगवान हमारे हृदय में है। उस भगवान के पास जाकर हमें अपने आप को छोटा नहीं करना चाहिए, जिसे हमारी परवाह नहीं। अपने पंढरपुर हम खुद बनाएंगे रामू। प्रिय भावराव, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में मैं सिलेबस में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य
और अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंस गया हूँ। मुझे रमा की सेहत की चिंता है, पिछले कई दिनों से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत कोशिश की मैंने। रमा पी लो इसे, अच्छी हो जाओगी। नहीं, जल्दी से अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया है रमा। मैं खुश हूं, मैं शांति से मरूंगी। मैं मरने से नहीं डरती, मैंने कई मृत्यु देखे। मेरी माँ, पिता, आपके माता पिता, चाचा, आपके भाई, हमारे चार बच्चे, मेष, गंगाधर, हिंदू, राजरत्न, इन सबको मरते देखा है मैंने। साहब, बारिश हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब चलें। उसकी आखिरी इच्छा सफेद साड़ी पहनने की थी। बाबा साहब, तो हरी साड़ी पहनने की है। हाँ, के 400 अछूत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें रोकिए, मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं योला परिषद में। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी।
इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ, इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर आम्बेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी? उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा, लाइफ ऑफ जीसस रना के लिखी हुई, और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर, हम आपको पुणे के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है, और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी, सियासी, मुआशरती, इक्तसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है एकमकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आशिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाइए। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हाँ, हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया, मैं आपके सामने हूँ एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूं। मेरा मानना है कि हमारे इन दो धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए, भले ही आप सिख धर्म क्यों ना अपना लें। हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण घुसपैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मुंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है।
दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। यह संविधान सभा गंभीरता पूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बदली। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। छुआछूत किसी भी रूप में हो खत्म कर दी गई है। इस कानून के पालन में असमर्थता दिखाना अपराध माना जाएगा। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। आपको कई परेशानियां हैं बाबा साहब? डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस, कई परेशानियां हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी बाबा साहब। खैर, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं। ओह, मेरी कलीग से मिलिए, डॉक्टर शारदा कबीर। नमस्ते। ये आपको पथ्य और बाकी बातें समझा देंगे। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ मरीजों को देखना है, मैं अभी आया। जी। आपको इंसुलिन का इंजेक्शन हर रोज लेना होगा। संतुलित खाना और कसरत भी उतनी ही जरूरी है। ये तो बहुत मुश्किल है। सब मुमकिन है, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहें तो। आपके लोगों को, देश को आपकी जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर आकर आपकी पत्नी को सब समझा दूंगी। मेरी पत्नी को गुजरे 12 साल हो गए हैं डॉक्टर कबीर। आई एम सॉरी, पर कोई तो होगा घर में जो आपकी देखभाल करता हो? नहीं, कोई नहीं। संजोग की बात है कि मिस्टर जयकर ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी चाहती है आप सीट संभालें। आप स्वीकार करेंगे? 20 साल जहर उगलने के बाद कांग्रेस मुझे संविधान सभा का भार सौंपना चाहती है। क्या आपके लोग मुझे चैन से काम करने देंगे?
देश आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा है, उसे आपकी जरूरत है। सारे लोग, यहाँ तक कि सभी राजनैतिक पार्टियां भी नए भारत के निर्माण में सहयोग देंगी। मिस्टर पाटिल, क्या आपने मिस्टर गांधी से राय ली? हाँ, बापू को कोई ऐतराज नहीं, जवाहर ने भी हाँ कह दी, और राजेंद्र प्रसाद भी आपके लिए उत्सुक हैं। बहुत खुशी हुई है जानकर। चलिए, आपने भी महसूस किया कि राष्ट्रवादी रहा जा सकता है कांग्रेस में ना रहते हुए भी। आप मंत्रियों की लिस्ट से खुश नहीं हैं बापू? नमस्ते जी। नमस्ते। कानून मंत्री कौन होगा जवाहर, और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। दुनिया भर के? मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, इतिहास ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। लगता है मेरे मरने तक इस खून खराबे का बोझ मेरी आत्मा पर बना रहेगा। खैर, काम की बात करें। आप जानते हैं कि आपको मैंने यहां क्यों बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सरकार में आप शामिल हों। आपको मंजूर है? ये सब इस बात पर निर्भर करेगा जवाहरलाल कि कौन सा विभाग मुझे। कानून? वहां काम तो काफी होगा ना? बहुत है, फिक्र मत कीजिए। कई नए कामों को कानूनी जामा पहनाना है। हाँ, हिंदू कोड बिल जो कि अधूरा पड़ा है, नहीं? उसका फैसला भी हमें जल्दी करना है। मैं खुश हूं, हम साथ काम करेंगे। प्रिय भावराव, हिंदुस्तान आज एक आजाद देश है, मगर क्या वो अपनी आजादी सलामत रख पाएगा? क्या अलग अलग और परस्पर विरोधी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान को अपनी अपनी जाति और धर्म से ऊपर रख पाएंगी? हमें अपनी आजादी की रक्षा अपने खून की आखिरी बूंद तक करनी चाहिए। कितनी बढ़ गई है आपकी ब्लड शुगर, अब और मीठा नहीं। चाय कौन बनाता है आपके लिए? वो लोग कोशिश करते हैं। ना ना, ये सब और नहीं चलेगा। कोई फल या चावल बिल्कुल मत खाइए, कम से कम 15 दिन। अगले हफ्ते आपका चेकअप करेंगे। दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे वहां एक हफ्ता रहना पड़ेगा। पता नहीं दिल्ली में आपकी देखभाल कौन करेगा। प्रिय चित्रे, संविधान की रूपरेखा तैयार करने का मेरा काम काफी बढ़ गया है। दूसरी तरफ मेरी सेहत मुझे ज्यादा बोझ लेने से रोकती है। तुम्हारे सुझाव पर कि मैं अपनी सेहत की देखभाल के लिए किसी का आधार लूं, मैंने गौर किया है। मैंने डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करने का फैसला किया है। बाबा साहब, बापूजी को किसी ने गोली मार दी जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। अंबेडकर, पहले आप दस्तखत कीजिए, उसके बाद मैडम करेंगी। अब मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। अभिनंदन डॉक्टर। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए।
राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके, इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बीएन राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। कांग्रेस के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का, यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेट और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवत गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है, प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। लोग आज किसी तरह बौद्ध धर्म को साम्यवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर साम्यवाद का आधार जबरदस्ती है और बौद्ध धर्म का अहिंसा। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। पढ़ो इसे। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता।
मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। मैं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा नहीं मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था, लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। हिंदू कोड बिल इस देश में समाज सुधार के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू समाज के वर्गों के बीच और स्त्री पुरुषों के बीच जो असमानता है उसे बरकरार रखकर आर्थिक सुधारों के लिए कानून पास करना हमारे संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है और गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। कि एक दिन मानवता को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। वो वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूं। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे। क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान ने की है। और बुद्ध धर्म में क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है। कोई कट्टरपन नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण हो। बुद्ध के अलावा दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने आप को मसीहा कहा। सिर्फ बुद्ध ही हमेशा मार्गदर्शक बनकर रहे। Yeah!
सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादयामि आदिनादाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादयामि सुरा मेराया मज्जपमादठाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आज़ाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहे, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए दसों नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए दसों नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो तीन सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज के बाद जो तीन सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। सारो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि
पदं समादियामि। सिख पदं समादियामि।